बिहारी हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य बिहार में रहता होगा तो आपने यहाँ का व्यंजन का स्वाद जरूर लिया होगा। यहाँ के व्यंजन से लोगों का पेट तो भर जाता है पर उनका मन नहीं। नमस्कार, मैं प्रज्ञा। आज हम बिहारी जायका में बात करेंगे बिहार के एक ऐसे पकवान की जिसे बिहारी लोग त्योहार के मौके पर बनाते हैं और यह खाने में भी बाकी पकवानों से काफी अलग होता है। यह एक ऐसा व्यंजन है जिसके बिना होली जैसा बड़ा त्योहार भी अधूरा रह जाता है। इसका स्वाद लाजवाब लगता है। हम बात कर रहे हैं उस व्यंजन की जिसका चांद जैसा आकार है, खाने में लाजवाब है, होली की शान है, गुजिया उसका नाम है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपने पिरिकिया का स्वाद जरूर चखा होगा। वैसे लोग जो इस शब्दावली से पहली बार रूबरू हो रहे हैं उनके लिए बता दे कि यह मिठाई को लोग बड़े चाव से खाते हैं। यह पकवान बिहार के छपरा जिला में काफी प्रसिद्ध है। बता दे कि इस व्यंजन को होली के अवसर पर सभी लोगों के घर में बनाया जाता है। इसे बनाना भी एक कला है और बिना टीम वर्क करे इस मिशन को पूरा नहीं किया जा सकता। मगर जब ये बनकर तैयार होती है और आपके सामने प्लेट में सजकर आती है तो इसे खाए बिना कोई रह नहीं पाता। लोगों का मानना है कि अगर होली के मौके पर अगर गुजिया नहीं खाई तो होली क्या मनाई। इसे पकवानों की रानी भी कहा जाता है। गुजिया खाते समय आप में से कईयों के मन में यह ख्याल कभी न कभी जरूर आया होगा कि आखिर ये स्वादिष्ट मिठाई पहली बार कहाँ बनी होगी, आखिर इसकी रेसिपी सबसे पहले किसके मन में आई होगी, किसने इस मिठाई का नाम गुजिया रखा होगा और कब ये होली की विशेषता बन गई होगी। तो चलिए हम बताते हैं इस लजीज व्यंजन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिसे शायद ही आप में से कोई जानता होगा। यह एक मध्यकालीन व्यंजन है जो मुगल काल से पनपा और कालांतर में त्योहारों की स्पेशल मिठाई बन गई है। इसका सबसे पहला जिक्र 13वीं शताब्दी में एक ऐसे व्यंजन के रूप में सामने आता है जिसे गुड़ और आटे से तैयार किया गया था। ऐसा माना जाता है कि पहली बार गुजिया को गुड़ और शहद को आटे के पतले खोल में भरकर धूप में सुखाकर बनाया गया था और यह प्राचीन काल की एक स्वादिष्ट मिठाई थी। लेकिन जब आधुनिक गुजिया की बात आती है तब इसे 17वीं सदी में पहली बार बनाया गया। गुजिया के इतिहास में ये बात सामने आती है कि इसे सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बनाया गया था और वहीं से ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य प्रदेशों में प्रचलित हो गई। इस बात का जिक्र मिलता है कि भारत में समोसे की शुरुआत के साथ ही गुजिया भी भारत आई और समय के साथ यहाँ के खास व्यंजनों में से एक बन गई। इस स्वादिष्ट पकवान के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे बिहार में गुजिया को पिरिकिया के नाम से, महाराष्ट्र में करंजी, गुजरात में घुघरा, आंध्र प्रदेश में कच्ची कयालू, तमिल में कचरिका और कन्नड़ और तेलुगु में कच्ची कई और छत्तीसगढ़ में कुसली के नाम से जाना जाता है। इसे बनाने का भी अलग अलग ढंग है। आमतौर पर गुजिया को बनाने के लिए मैदे को मोइन डालकर डो तैयार किया जाता है और फिर उसमें खोया या भुनी हुई सूजी को उसमें चीनी मिलाकर भरा जाता है। फिर इसे पूरी को मोड़कर गुजिया वाला आकार दिया जाता, लेकिन कुछ जगहों पर इसके ऊपर चाशनी की परत भी चढ़ाई जाती है और कुछ जगहों पर राबड़ी डालकर भी इसे बनाया जाता है। इन सब में दिलचस्प बात यह है कि पुराने समय में महिलाएं अपने नाखून को बढ़ाया करती थी ताकि वह गुजिया को आसानी से गोठ कर सही आकार दे सके। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले ब्रज में हुई थी, तब भगवान कृष्ण को चढ़ाने के लिए इसे विशेष रूप से बनाया जाता था। तभी से होली में गुजिया बनाने का प्रचलन पूरे देश में फैल गया। वैसे इसे बनाने के लिए किसी खास त्योहार की जरूरत नहीं है, लोग आम मौके पर भी इसे बनाकर खाते हैं। बता दें कि गुजिया से जुड़े कई फायदे भी होते हैं जो हमारे सेहत के लिए काफी लाभकारी होता है। इसमें सबसे ज्यादा खोआ का प्रयोग किया जाता है जिसमें कैल्शियम की ज्यादा मात्रा होती है जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है। साथ ही मावा का ज्यादा सेवन करने से हमारी त्वचा कोमल और मुलायम बनती है और गुजिया में ज्यादा से ज्यादा मावा की स्टफिंग की जाती है, इसलिए ये हमारे सेहत के लिए लाभदायक है। वहीं घर पर बनाया गया गुजिया बाहर की गुजिया से कई गुना ज्यादा हेल्दी होता है। आज के लिए बिहारी जायका में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए व्यंजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।